गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम प्रमोद फ्रॉम इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तरियारी। सो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तरियारी के चैनल पर। और जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि हम आपको इस चैनल पर डेली बेस पर कुछ ना कुछ विशेष चीज़ें जो हैं इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करें उसके लिए कुछ ना कुछ विशेष चीज़ें हम डेली आपको देते रहते हैं, राइट। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको जो हमारा ओवरऑल एक सीरीज है जिसे हम कहते हैं इंग्लिश स्पीच, इस इंग्लिश स्पीच के सीरीज में मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग किसी भी टॉपिक पर इंग्लिश के स्पीच को किस तरह से बहुत ही अच्छे ढंग से स्पीक कर सकते हैं, राइट। तो इस सीरीज में गाइस, जो इंग्लिश स्पीच का सीरीज है उस पे इसके पहले मैंने इस स्पीच के सीरीज में एक एलिफेंट का एक टॉपिक के ऊपर मैंने एक स्पीच बनाया था जिसमें मैंने आपको सिखाने की कोशिश की थी कि हम एक एलिफेंट के ऊपर हिंदी में या इंग्लिश में किस तरह से बोल सकते हैं, राइट। वैसे तो ऑलरेडी इस सीरीज़ में मैंने आपको बहुत सारा इंग्लिश स्पीच दे करके कोशिश करी है समझाने की कि आप भी किस तरह से इंग्लिश के स्पीच को बड़ी ही आसानी से बोल सकते हैं, राइट। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए आप कमेंट करें और उसमें आप राइट करें कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, तो हम आपको उस प्रॉब्लम के लिए भी कोई ना कोई सोल्यूशन विशेष रूप से 100% देंगे, राइट। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको विशेष रूप से जो आपका इसके पहले का वीडियो मैंने बनाया था कि हम एलिफेंट के बारे में किस तरह से इंग्लिश में बोल सकते हैं उसको हिंदी में बिल्कुल, और किस तरह के सेंटेंस आते हैं, कैसे फ्रेजेज उसमें यूज किए जाते हैं, क्या हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है, वो सारी डिटेल हमने आपको इसके बारे में बताया हुआ है, राइट। मैं इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा या फिर आप इस चैनल पर आकर के जो है टोटल डिटेल कुछ चीज़ें से फ्रेजेज और कन्वर्सेशन वगैरह कैसे होता है उन सारी चीज़ों की डिटेल के बारे में आप इस वीडियो में देख सकते हैं, इस चैनल पर पूरा नीचे तक देख सकते हैं, राइट ना। तो आज की डेट में मैं आपको स्पेशली जो है इंग्लिश का स्पीच देकर दिखाऊंगा कि एक इंग्लिश का स्पीच जो है एलिफेंट के बारे में किस तरह से हम बोल सकते हैं, राइट। तो इंग्लिश स्पीच गाइस बोलना बहुत आसान है, बट इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास ऑलरेडी एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए गुड कैटेगरी का, मतलब हम कभी ना हिचके ना हम कभी डरे, जो भी हमारे पास इंग्लिश आ रहा है उस टॉपिक से संबंधित उसको बेहिचक बोलने की कोशिश करें, राइट। और बगैर गलतियों के देखिए कोई भी चीज़ें इम्प्रूव नहीं की जा सकती हैं, अगर आप छोटे छोटे प्रयास डेली करते हैं तो 100% आपको सफलता एकदम बड़ी मिलती है, राइट। तो गाइज आइए आज के डेट में मैं आपको इंग्लिश का स्पीच देकर दिखाता हूँ एलिफेंट पर हम किस तरह से बोलेंगे, ताकि आप भी इसको कॉपी करो, उसे लिसन करो और समझने की कोशिश करो और आप ट्राई करो 100% आप इंग्लिश का स्पीच बोलना सीख सकते हैं, राइट। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम प्रमोद फ्रॉम इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी एंड गाइज टूडे आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट द एलिफेंट। गाइज एज वी नो वेल दैट The elephant are very big in size and he is black in color. The elephant has four legs and the legs are very big size and it is also very fatty type of legs they has, and the elephant's legs looks like a pillar, right? And beside this guys, elephant has two ears and the ears are also very big in size and their ears just look like a fan, right? It is also very big in size actually. And whenever we watch the elephant guys, elephant looks very dangerous animal sometimes, right? But you know, they are very faithful animal and they are very simple animal. But before some time back guys, they were living in the forest. The elephants were living in the forest because there was not any circumstances to settle them in the zoo. But at this time guys, the government have some plan, and according to the plan guys, we all are keeping them into the zoo, right? And that zoo also become very famous at this time. Sometimes when we go to the zoo, we watch many categories, elephants also. And beside the elephants, we watch some other categories animals also in the zoo, right? But when we watch the elephant in the zoo guys, it looks very big in size, right? And when we watch some
child baby means the child or the baby of the elephant, guys, they looks very cute also, right? So elephants are very intelligent animal also. They are very intelligent, means if we want to train something to the elephant, they can be trained very easily. If we sometime watch some movie, guys, we also see that how the elephants work in the movie. Only a single person can train to the elephant and can use them into the movie as they wishes actually, right? And besides this, guys, elephants are very general, we can say they are the common animal also. They can eat the sugar cane, bread, and some leaves of the tree also. And some important things also are made by the elephant's body parts, like combs, buttons, and some showcases also, right? And beside that, guys, we also make some other things by the leather of elephant. They have the tusk actually, guys. Tusk means, you know, they have two long teeth. That teeth are called so tusks, right? And beside that, guys, they have one trunks also, one trunk, and trunks are very long also sometimes, right? So overall, guys, these things are very different creature actually, and whenever we watch them, we feel very joy in our heart actually, right? So I think we all like elephant, and elephants animals are liking animal also. I also like them very much. And what about you guys? You have to just think over that. And I am sure everybody like the elephant, because elephants are very stranger animal. Whenever we first time watch the elephant, we feel very different in our heart actually, right? So this is called the elephant, guys, and that's all. Thank you. Right, guys, तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से मैंने आपको इंग्लिश में स्पीच देकर दिखाया, कोशिश किया, और आपको बस ये चीज़ें समझना है किस तरह से हम जो है स्पीक कर रहे हैं एलिफेंट के बारे में. एक कॉपी, एक नकल, एक पकड़ने की, कैचिंग करने के तरीके अगर आप अच्छी तरह से समझ जाते हैं, तो आप 100% एलिफेंट के ऊपर या कोई भी अदर एनिमल है उसके भी बारे में बड़े आसानी से इंग्लिश में बातचीत कर सकते हैं, राइट? सो आज की वीडियो में बस इतना ही, गाइस. और याद रखें, इस चैनल पर हम आपके लिए 5 सीरीज़ की पढ़ाई करा रहे हैं, जिसमें आपका फ्रेजेज एंड क्लॉज है, जनरल क्वेश्चन आंसर कन्वर्सेशन में है, और कुछ ट्रांसलेशन एंड ट्रिक्स भी है, स्पीच है, राइट? और मतलब वो हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं जिसके द्वारा आप इंग्लिश को बड़े ही आसानी से बोल सकें और अच्छे ढंग से ऑनलाइन घर पर बैठे बैठे इंग्लिश को आसानी से बोलना सीख सकें, राइट? और गाइस, याद रखें, इस वीडियो से यदि आपको कुछ बेनिफिट मिल रहे हैं, लग रहा है कि नहीं आप कुछ सीख रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं इस वीडियो के माध्यम से कुछ और लोग भी इंग्लिश को बोलना सीख सकते हैं, तो श्योरली इस वीडियो को आप व्हाट्सएप पे एंड फेसबुक पर शेयर करिए, ताकि लोग इसके बारे में जानें और अच्छे से इंग्लिश को बोलना सीख सकें. बिकॉज ये फ्री क्लासेस है, एंड द एज मीन्स द प्रेजेंट टाइम जैसे चल रहा है, इस समय में ऑनलाइन क्लासेस का ही समय है, तो इसलिए आप इसको पूरा फोकस करें, ताकि आप घर बैठे बैठे ही इंग्लिश को आसानी से बोलना सीख सकें, राइट? तो आज की वीडियो में गाइस बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में. तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय.